फर्दर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछले वीडियो में बहुत मजा आया तो और मजा करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके सो कंटिन्यू करने से पहले मैं जानता हूँ तुम लोग को इस लाइन में डाउट है, मैं जानता हूँ जाओगे, तुम लोगों ने मुझे पूछा नहीं, तुम लोग पूछोगे कि भाई ये प्रॉप क्या है, प्रॉप तो तूने कभी दिया नहीं इसको प्रॉप। देखो नेविगेशन से सेटअप करते हैं तो ये लाइन लिखने के कारण अपने आप प्रॉप्स आ गए इन कंपोनेंट्स में, अपने आप प्रॉप्स आ गए ठीक है। सो अगर मैं कॉन्सोल डॉट लॉक करवाऊँ प्रॉप्स को, लाइक अगर मैं रेंडर ट्रैक के होते टाइम अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊं लाइक सो, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट प्रॉप्स लाइक ऐसे डॉट लगा के, और इसको देखता हूं मैं लाइक फ्रॉम होम ताकि पता चल सके, और यही लाइन सेम कॉपी करता हूं मैं कंट्रोल सी, और ये जब अबाउट स्क्रीन आएगी लाइक रेंडर के अंदर ओके सो ये कंसोल डॉट लॉग हो सके ठीक है। सो सेव करता हूँ मैं इसको ताकि, और यहाँ पे अपन इसको इसको कंट्रोल एम करते हैं लाइक कंट्रोल एम और डीबग जेएस रिमोटली करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है अभी हम लोग को ठीक है। सो लाइक ये अभी नेटिव डीबगर खुल जाता है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं ठीक है, और लाइक एमुलेटर कहाँ है अपना, हाँ लाइक इसमें भी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं ओके सो इसमें भी आएंगी वो सारी प्रॉपर्टीज, सेरा फ्रॉम होम से कुछ आया है ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैं डीबग जीएस इसलिए किया क्योंकि इसको अपन खोल खोल के देख नहीं पाते ना, इसलिए डीबग जीएस रिमोटली किया था कि इस कंसोल पे इसको अपन देख सके क्या क्या आया है ठीक है। तो अपने को नेविगेशन अगर जब अपन ने स्टैक नेविगेटर जैसे इंटीग्रेट किया तो अपने पास ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज में, और ऑब्जेक्ट में है नेविगेशन ओके, और नेविगेशन में है बहुत कुछ। तो नेविगेशन से मैंने ये एक्सेस किया था लाइक कहाँ है नेविगेशन डॉट नेविगेट, ये रहा नेविगेट, और उस ये एक्सेस किया था मैंने ठीक है, और उसमें उसका लाइक जिस राउट पे नेविगेट करना उसका पास करते हैं तो वो पास हो जाता है ठीक है। और जैसे एक गो बैक है, अपने को स्टैक है, एक स्क्रीन पीछे जानी है तो गो बैक यूज करेंगे ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं तो एक एक करके जानेंगे। सो ये था प्रॉप्स के बारे में कि बाय डिफॉल्ट प्रॉप्स हो जाते हैं जब अपन नेविगेट करते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है अपने आप प्रॉप्स, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ केस में कैसे करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स लिखेंगे नेविगेशन, क्योंकि अपने को यहाँ पे दिख रहा है नेविगेशन टाइप का प्रॉप में कुछ है लाइक ये नेविगेशन डॉट नेविगेट यूज कर रहे हैं एक स्क्रीन के दूसरे, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट होने के लिए। हाँ ओके सो मैं ये बटन को कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी कर रहा हूँ, और यही सेम मैं अबाउट में भी डाल रहा हूँ ओके। बट अब मैं इस बटन में मैंने तुम लोग को दिखाया गो बैक करके था हमारे पास नेविगेशन में लाइक यहाँ पे ये देखो गो बैक, तो इस गो बैक को यूज करेंगे कि एक पे एक एक स्क्रीन पीछे जाने के लिए ठीक है। सो ऐसे लिखते हैं गो बी ए सी के लाइक ये मैंने कंसोल डॉट लॉग ऑब्वियसली, अच्छा दोनों में होम होम लिख दिया है मैंने, सो हम अबाउट लिखूंगा तो अबाउट से आएगा ये ए बी ओ यू टी, वैसे तो तुम लोग जानते हो दोनों के पास होंगे ही ऑब्वियसली, एक के पास है तो दोनों के पास ये जो है प्रॉपर्टीज अपने आप पास हो जाएंगी, दो स्क्रीन है हमारी। So, यहाँ पे दिस डॉट और गो बैक एक फंक्शन है तो ऐसे पैरेंथेसिस डालनी पड़ेगी अपने को, दिस डॉट नेविगेशन डॉट गो बैक ओके सो गो टू होम, यहाँ पे लिखते हैं होम गो टू होम ओके ब्यूटीफुल। सो बाय डिफॉल्ट एरो फंक्शन जो रहता है ना, एक एरो फंक्शन आया था ना हमारे पास, इसको रिलोड होने दो मैं समझाता हूँ ठीक है। सो गो टू अबाउट, तो बाय डिफॉल्ट एरो फंक्शन आ रहा था तो ये भी बिहाइंड द सीन गो बैक यूज करता है, अगर मैं गो टू होम क्लिक करूं तो वापस से होम में जा रहा है अबाउट होम, तो दो पेज के थ्रू अपन जंप कर पा रहे हैं ना एक स्क्रीन से दूसरे तरफ ओके समझ में आया यहाँ तक। अब आते हैं इस हेडर के ऊपर ठीक है। सो इस हेडर के ऊपर लाइक आते हैं कहाँ है, बहुत सारे टैब्स खोल के रखा हूँ ना मैं, लाइक बहुत सारे खोल के रखा हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो और ये वो ओके। सो यहाँ पे लाइक सो और supported React Native version moving lifecycle configuring header bar ये रहा ओके। सो यहीं से मैं कॉपी करूंगा क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, जैसा कि तुम लोग को मैंने बताया बहुत आलसी हूँ मैं। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं header style ओके, सो ये रहा होम के लिए दिया हुआ header style। सो मैं इस navigation static navigation option इसको कॉपी करता हूँ control C, देख रहा तुम लोग ठीक है, और like कहाँ है अरे हमारा कोड कहाँ है, और अबाउट स्क्रीन को ये देते हैं प्रॉपर्टीज ठीक है ऊपर में, सो ये प्रॉपर्टीज देते हैं और होम स्क्रीन को भी दे देते हैं अभी सही, क्या फालतू मैं एक बार लिखूं फिर दूसरी बार तुम लोग को दिखाऊं, कंट्रोल वी होम स्क्रीन को भी दे देते हैं, और यहाँ पे टाइटल में होम लिख देंगे अबाउट लिख देंगे, अबाउट स्क्रीन को दे रहा हूँ और एक होम स्क्रीन को दे रहा हूँ, दोनों की स्टाइलिंग सेम होगी
सो देखते हैं, दिख रहा है सुंदर? सो रीलोड होने दो। ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग, मजा आ गया, मेरा दिल खुश हो गया देख के। तो वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मैं होम में लिखा है टाइटल होम, हेडर स्टाइल में बैकग्राउंड दिया है इसको क्या ऑरेंज, और टिंट कलर में इसको दिया है व्हाइट, टिंट कलर इस टेक्स्ट का नाम है, और हेडर स्टाइल में फॉन्ट दिया अपने को बोल्ड, मेकिंग सेंस? ओके, और अगर मैं अबाउट पेज में जाऊं तो उसमें भी सेम दिया है, ठीक है। बट यू नो व्हाट, तुम लोग बोलोगे कि भाई ये कोड है रिपीटेटिव, रिपीटेटिव है क्योंकि मैंने यहाँ पे होम स्क्रीन को देना है तो मैं ऐसे लिखा, और अबाउट स्क्रीन को मैंने ऐसे लिखा। अगर चाहो तो तुम लोग अबाउट स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हो, अगर मैं लाइक लिखूं जैसे कि PING पिंक, लाइक ऐसे करके और सेव करूं, तो दोनों को अगर मैं तुम लोग में दोनों को डिफरेंट प्रॉपर्टीज देनी होगी तब तुम लोग ऐसे रिपीटेटिव कोड लिख सकते हो। अगर मैं अबाउट में जाऊं तो पिंक पिंक टाइप, अच्छी छी बहुत घटिया। तो दोनों को डिफरेंट प्रॉपर्टीज देनी हो तो ये हैंडी आ सकता है, बट जब ऑब्वियसली नेविगेशन लाइक टैब में मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही होता है ना, कलर चेंज नहीं होता है। बट अगर करना है तो ऐसा कर सकते हो, बट नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंटेशन डिग डाउन करते हैं कि नीचे लिखा हुआ है, ये देखो ये है डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। इन्हें स्टैक नेविगेटर में पहला ऑब्जेक्ट ये पास करोगे और दूसरे ऑब्जेक्ट में तुम लोग ये पास कर सकते हो। तो दूसरा ऑब्जेक्ट मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और देन यहाँ पे तुम्हें बहुत कॉपी पेस्ट करो क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कोड है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली टाइप करना का कोई सेंस ही नहीं बनता है। सो यहाँ पे कॉमा देके दूसरा ऑब्जेक्ट लाइक कंट्रोल एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं, थोड़ा रूम दे देते कंट्रोल भी। ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट पहला स्क्रीन जो रहता है उसी पे अपन लाइक पॉइंट होता है वो ही ओपन होता है। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको वही सेम चीज दे दी, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो रिपीटेटिव कोड लिखने से अपन बच गए, ठीक है। ओके, ऑसम। हाँ, और एक चीज तुम लोग को लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दूं मैं, वापस से जाते हैं अपन इसके लाइक हेलो रिएक्ट नेविगेशन में, और यहाँ पे लाइक कुछ कुछ लिखा है बातें, ठीक है, उस बातों को मैं तुम लोग को दिखाऊं, तब तक ये रिलोड हो जाने दो। हो गया ना रिलोड, लाइक सेव किया था मैंने, यस, इसको एक बार रिफ्रेश मार देते हैं, कुछ बातें पढ़ानी है तुम लोग को। ओके, सो यहाँ पे पहले तो लिखा है गिवन राउट ओनली राउट कॉन्फ़िगरेशन वी हैव होम, सो होम है तो अपन को ये ऑप्शनल है, ऐसा डालना जरूरी नहीं क्योंकि ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, तो मैं डायरेक्टली होम इक्वल टू होम स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो है अननेसेसरी टाइप का, लाइक कंट्रोल सी करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल सी, और इस पूरे को अपन गेट रिड हो सकते हैं कंट्रोल वी, ऐसा सेम फॉर दिस। ओके, कंट्रोल सी, और इस पूरे का से अपन बच सकते हैं उसको, कंट्रोल भी और लाइक बूम, और उनके बीच कॉमा देंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन शॉर्ट हैंड में, फिर से रिफ्रेश करते हैं, लाइक इसको हॉट रिलोड होने दो, तब तक और पढ़ते हैं लाइक। सो इसका क्या नेट मार गया क्या मेरा? ना ना, इतना टाइम क्यों लगता है यार आजकल रिलोड होने में? तो होम पे जा रहा हूँ मैं, लाइक ऐसे होम स्क्रीन अबाउट स्क्रीन, ओके ब्यूटीफुल awesome। बट एक चीज तुम लोग देख पा रहे होगी कि अपन अबाउट से नेविगेट कर रहे तो टाइटल अपना उड़ गया, तो अपने को टाइटल एक डिफॉल्ट दोनों के लिए अलग अलग देना चाहिए। तो मैं यहाँ से ऑप्शंस पास कर देता हूँ, स्टैटिक टाइटल इसके लिए होम, और यही सेम चीज के लिए इसमें टाइटल में मैं अबाउट वाला जो कंपोनेंट था अपना, अबाउट वाले में भी एक टाइटल पास कर देता हूँ, और टाइटल में मैं लिख देता हूँ अबाउट A B O U T, सो अबाउट और ये मिलेगा। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन अपन लाइक पढ़ते हैं तब तक के। सो हेलो रिएक्ट नेविगेशन, तो यहाँ पे लिखो, और चीज एक लिखी हुई है कि देखो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, एक जो क्रिएट ऐप कंटेनर है इसको एक्सपोर्ट करने की जगह एक वेरिएबल में स्टोर कर दें, और उस वेरिएबल को ऐसे एक कंपोनेंट बना के एक्सपोर्ट कर दें। शुड वी डू दिस? यस, ऐसा करने से अपन को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक दिस डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग दिस एप कंटेनर, वी कैन स्टोर इट इन अ वेरिएबल, व्हाट इज द नेम ऑफ वेरिएबल ही हैज गिवन इट एज अ एप कंटेनर, कॉन्स्ट एप कंटेनर, लेट्स गिव दिस। सो यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ कंट्रोल वी, एप कंटेनर है ना, और अपन इसको एक्सपोर्ट करवा देंगे ऐसे, कहाँ है ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो यहाँ पे अब एक्सपोर्ट लिखा है, डायरेक्टली बना के अपन इसी को एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल सी, एंड लाइक वी कैन राइट इट लाइक हेयर ओनली लाइक सो। सो
अब ये डायरेक्टली बूटस्ट्रैप हो जाएगा और ये ऐप कंटेनर, ये देखो यहाँ से रिटर्न हो रहा है जो वेरिएबल है, क्योंकि इससे अपने को ज्यादा कंट्रोल देगा। सो अभी भी अपने कोड में लाइक चेंज नहीं आया होगा, रीलोड करते हैं एक बार और हो जाने दो रीलोड। सो रीलोड हो गया और अपने को वही सेम चीजें दिख पा रही है। ओके यहाँ पे नेविगेशन भी आ गया और सेम कोई चेंज फर्क नहीं पड़ा, तो ये अपने को ज्यादा कंट्रोल देगा। ठीक है, लाइक रीडर्स वगैरह यूज करेंगे तो भी ये ज्यादा हैंडी आएगा, क्योंकि तब बात करेंगे रीडर्स अगर किसी जमाने में पढ़ेंगे तो, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इतना सब कुछ मेरे को एक्सप्लेन करना है अभी। सो देन और अपन डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, तो कितना 10 मिनट हो गया है क्या? तो अपन बाकी एक राउट से दूसरे राउट में पैरामीटर कैसे पास करते हैं वो अपन देखना भूल गए। ओके हेडिंग सेकेंड राउट और कुछ लिखा है, तो ये अपना ये पहला पेज अपन ने खत्म कर लिया। और पूरा डॉक्यूमेंटेशन अब तुम लोग इसमें कुछ भी वर्जन में चेंज आएंगे तुम लोग खुद डॉक्यूमेंटेशन देख के पूरा समझ में आ जाएगा आप तुम लोग को, तो क्योंकि हर एक चीज अपन ने समझा। तो मैं समराइज करूं एक बार, ठीक है, क्योंकि बहुत कोड लिख लिया हम लोगों ने तो मेरे को लगता है कि समराइज करना चाहिए। सो कुछ एरर तो नहीं आ रहा है ना अपना, लाइक एरर नहीं आ रहा है ना, सब सही है ना? ओके समराइज करते हैं। सबसे पहले तो लाइक क्रिएट नेविगेशन इंपोर्ट किया, उसमें से हम लोगों ने दो चीजें यूज की, स्टैक नेविगेटर क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टैक नेविगेटर, और ये एज अ रैपर एक्ट करेगा, इसलिए अपने को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा पहले वर्जन में नेविगेशन के वर्जन 2 में ये नहीं होता था, ये नया चीज आया है। ठीक है, सो उसके बाद अपन ने एक कंपोनेंट बनाया, इसको अपन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से अपन वो वाले को कर रहे हैं नीचे दिखाया वो वाला। उसके बाद अपन डिफॉल्ट प्रॉप्स में ये होम आए, तो उसके लिए अपन होम पास कर रहे हैं, कुछ रेंडर कर रहा है, होम स्क्रीन टेक्स्ट और एक बटन जिसमें कि लिखा है गो टू अबाउट। ओके मेकिंग सेंस। और दूसरा एक अपन ने कंपोनेंट बनाया, ठीक है, उसमें भी डिफॉल्ट प्रॉप्स कुछ वो लाइक डिफॉल्ट नेविगेशन की प्रॉपर्टीज पास करें, टाइटल अबाउट और यहाँ पे लाइक रेंडर एंड जो भी है, ये टाइटल में अबाउट दिया है तो गो टू अबाउट पे करता हूँ, तो मैं लाइक यहाँ पे अबाउट आता है, ये जो बटन है ये भी और यहाँ पे अपन इस ऑन प्रेस करेंगे तो गो बैक कॉल होगा, तो एक स्टैक पीछे चले जाएगा, एक स्क्रीन पीछे चले जाएगा, और ये जो बटन है ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो इसके बिहाइंड द सीन भी गो बैक ही कॉल हो रहा है, तो अपन ने यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो गो बैक ही कॉल होगा। प्रॉपर्टीज अपने आप असाइन हो जाती है जैसे ही अपन ये लाइन लिखते हैं, है ना? इस होम स्क्रीन को अपन ने इस कंपोनेंट के थ्रू टुवर्ड्स पॉइंट किया है, सिमिलरली इस वेरिएबल को अपन ने होम स्क्रीन के तरफ पॉइंट किया है। अगर अपने को किसी स्क्रीन में नेविगेट करना होगा तो अपन दिस डॉट प्रॉप डॉट नेविगेशन में ये, जैसे कि मेरे को अबाउट में नेविगेशन करना था तो मैं इस वेरिएबल का नाम यूज करता हूँ लाइक इसका अबाउट का। अगर सिमिलरली मेरे को गो बैक की जगह मैं नेविगेट डॉट अबाउट लिखता तो भी हो जाता अपना काम, यहाँ पे अगर मैं लिखता नेविगेट और ब्रैकेट्स में होम पास करता तो भी चल जाता मेरा काम, बट गो बैक हमारे पास गो बैक करके भी कुछ है वो दिखाना था करके मैं गो बैक लगाया। ओके और उसके बाद अपन कुछ इनिशियल प्रॉपर्टीज इसके हेडर से रिलेटेड सो ये पास किए ताकि दोनों का ऑरेंज ऑरेंज कलर सुंदर दिख सके। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बैकग्राउंड ये होगा, टिंट का कलर अब इसका और इसका वाइट होगा और एंड ऑल। उसके बाद अपने को कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप हो सके ताकि हमारे लाइक ऐप एंड्रॉइड ऐप में, तो उसके लिए अपन ने ये यूज किया जो अपन ने बनाया ऐप नेविगेटर, इस वेरिएबल में स्टोर किया था जो भी अपन ने स्टैक बनाया और उसको इसमें पास कर रहे हैं, और उसके बाद उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और इस वेरिएबल में या कंपोनेंट जो भी बोलो, और उसको फाइनली अपन रिटर्न करवा दे रहे हैं, और रिटर्न करवाते ही अपन इसमें एक्सपोर्ट लिख दिया तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। मेकिंग सेंस, 100% पिक्चर क्लियर हुई। एक और चीज है, अगर तुम लोग अगर कुछ ऐसा यूज कर रहे हो जैसे कि लाइक अगर तुम लोग ये यूज कर रहे हो रिएक्ट नेटिव पेपर और तुम लोग चाहते हो हेडर में रिएक्ट नेटिव पेपर का हेडर यूज करूं, लाइक मैं जो बोल रहा हूँ रिएक्ट नेटिव का रिएक्ट नेटिव पेपर का हेडर यूज करना है, तो तुम लोग बोलोगे कि मैं जो ये है इसको हटा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, देखते हैं। नहीं होगा एक्चुअली काम, क्योंकि व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ ऊपर ऊपर बाय डिफॉल्ट आ जाता है ना, तो उसके लिए अपने को हेडर मोड लिखना पड़ेगा एक प्रॉपर्टी पे। देखो आ गया ना, इसको मैं हटाना है लाइक कम्प्लीटली गेट रिड होना है, तो उसके लिए मैं हेडर HTTP हेडर मोड यूज करूंगा, और इस मोड में मैं शायद नन करके हमारे पास कुछ होता है ये रहा नन, लाइक NONE नन पास कर दूंगा तो मेरे ख्याल से ये हेडर हट जाएगा। सो देखते हैं, मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं यूज हाँ देखो, तो इसके बजाय अगर तुम लोग रिएक्ट नेटिव पेपर का हेडर यूज करना होगा तो तुम लोग वो रिएक्ट नेटिव पेपर का हेडर यूज कर सकते हो अगर हेडर नहीं चाहिए तो। ओके बट अपने को हमारे केस में चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड 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 तो वापस से इम्पोर्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, क्योंकि इसका भी कोई इतना बुरा नहीं है, हेडर तो सुंदर दिख रहा है इसका भी। सो ये था अपन ने कुछ बेसिक्स जाने। अभी अभी देखो स्टैक नेविगेटर को मैं बहुत डेप्थ में पूछ रहा हूँ, हेडर वगैरह सारे नेविगेशन के लिए सेम ही होता है जो हेडर वगैरह का है, तो अपन ने स्टैक नेविगेटर को पकड़ा है तो उसकी गर्दन पकड़ते हैं। बाकी जो नेविगेशन होंगे ड्रॉवर वगैरह मैं उतना डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हेडर वगैरह तो मैंने कवर करवा लिया ना, है ना?
और चीज बच गई है, एक एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में एक वैल्यू कैसे पास करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से अपन को नेक्स्ट स्क्रीन में देखनी चाहिए। तो मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक बिना किए नेक्स्ट वीडियो को मत देखना, ठीक है।